Kaderde bu da varmış. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं नाम है बिलाल और आप देख रहे हैं सोशल यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल क्लोश उस्मान के सीजन 2 की एपिसोड नंबर 4 के बारे में। जैसा कि आपने पिछली किस्त में देखा था, निकोला अपने करीबी साथी प्लाथियोस को लेकर एनागोल के लिए आ गया था और उसने मैदान जंग से भागने वाले एलेक्सिस को मौत के घाट उतार दिया था। नाज़रीन, इस एपिसोड के आगाज में आप देखेंगे उस्मान बारा खातून के साथ अपने खेमे के अंदर मौजूद होता है। इसी दौरान सत्तोक इजाजत लेकर वहाँ आता है। सत्तोक को देख कर उस्मान उसके पास जाता है और कहता है, खैरियत तो है सत्तोक। इस पर सत्तोक कहता है, साहब की तरफ से खबर मिली है। यह सुनते ही उस्मान और बाला खातून के चेहरे खुशी से खिलखिला उठते हैं। सत्तोक मजीद कहता है, दंदार साहब अपने खेमे में आपको मुंतजर है। यह कहकर सत्तोक वहाँ से चला जाता है, जबकि बाला खातून खुशी से उस्मान को पकड़ते हुए कहती है, मुबारक हो उस्मान। तो उस्मान कहता है, बाबा जल्द ही यहाँ होंगे। इसके बाद उस्मान दंदार के खेमे की जानिब चला जाता है और वहाँ पहुँचते ही पूछता है, क्या मेरे वालिद साहब की तरफ से खबर आई है? इस पर दंदार खेमे के अंदर खड़े शख्स की जानिब देखते हुए कहता है, यह यौलक अरसलान का पैगाम रसा है। यह सुनकर उस्मान उसे खुश आमदीद कहता है। इस पर वो कोसगोल नामी शख्स कहता है, साहब की तरफ से आपके लिए मेरे पास खबर है। इस पर उस्मान मुस्कुराते हुए कहता है, अल्लाह पाक आपको मेरे वालिद की तरफ से खुशखबरी देने पर बरकत दे। इसके बाद कोसगोन कहता है, अर्तगल साहब और यौलक अरसलान मुलाकात करेंगे और बाजंतीनियों की तरफ से लाहक खतरात का तजिया करेंगे। अर्तगल साहब बाद दिम्बोको में ठहरे हुए। इस पर दंदार पूछता है, क्या मेरे भाई ठीक है? तो कोसगोन कहता है, वो काफिलों की धज्जियां उड़ाने के लिए काफी सेहतमंद है। कोसगोन मजीद कहता है, अर्तगल साहब सिर्फ उस्मान को वहाँ चाहते हैं, यही हुक्म दिया गया। हमारे सरदार यौलक अरसलान भी उस्मान को देखना चाहते हैं, जो कुलचिस्तान में बहादुरी से लड़ा। अर्तगल साहब चाहते हैं की आप कल शहर के वक्त अपने रास्ते पर निकले। उस्मान साहब, यह सुनकर उस्मान कहता है, आपने हमें खुश किया। तो कोसगोन कहता है, आपका शुक्रिया, मैंने वही किया जिसका मुझे हुक्म दिया गया था। इसके बाद कोसगोन उनसे इजाजत लेकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी जानिब एनागोल किले में निकोला एक मुजस्मे को दुरुस्त करने में लगा होता है और फ्लाथियोस भी उसके पास मौजूद होता है। निकोला फ्लाथियोस से पूछता है, क्या तुम दरिया रेबकोन को जानते हो? इस पर फ्लाथियोस कहता है, यह वही दरिया है जिससे कैसर गुजर के गया और रोम का बादशाह बना। यह सुनकर निकोला कहता है, यह दरिया और जमीन मेरी है, जब वक्त आएगा तो मैं अपनी फौजों के साथ इस दरिया को अबूर करूंगा। इसके बाद निकोला कैसर के मुजस्मे के सामने जा खड़ा होता है और कहता है, वो दरिया मुझे रोम के तख्त तक ले जाएगा। फ्लाथियोस कैसर के मुजस्मे की तरफ देखकर कहता है, यह बिल्कुल आपकी तरह है। यह सुनकर निकोला कैसर के मुजस्मे के बिल्कुल साथ जुड़ के खड़ा हो जाता है और फ्लाथियोस से पूछता है, क्या तुम हमारे दरमियान कोई फर्क कर सकते हो? तो फ्लाथियोस मुस्कुराते हुए कहता है, बिल्कुल नहीं। इसके बाद फ्लाथियोस मेज पर रखे संदूक की जानिब देखकर पूछता है, इसमें क्या है? यह कहकर वो संदूक खोलने की कोशिश करता है, लेकिन निकोला संदूक पर हाथ रखते हुए कहता है, जो दर्द मैं सौगात में बांटूंगा इस संदूक में छुपा हुआ है। पहले सौगात, फिर कलचिस्तान, हर उस जगह खून के आंसू होंगे जहाँ तुर्क बसते हैं, फिर हमारी फतह का रास्ता सामने आएगा। फ्लाथियोस यह कहकर निकोला संदूक खोल देता है जिसमें ताउन फैलाने वाले चूहे और जहर की बोतलें पड़ी होती है। इसके बाद निकोला संदूक बंद कर देता है और वह दोनों शराब से लुत्फअंदोज होते हैं। इधर काई कपड़े में हजार खातून दुंदार का इलाज कर रही होती है। दुंदार को गहरी सोच में पड़ा हुआ देख कर हजार खातून पूछती है, अर्तगल साहब ने उस्मान को क्यूँ बुलाया? क्या आप भी यही सोच रहे हैं? इस पर दुंदार पूछता है, तो क्या वो मुझे बुलाते हजार? तो हजार खातून कहती है, यकीनन दुंदार साहब, क्या आप अर्तल गाजी के भाई नहीं है? क्या आप इस कबीले के मुअज्जज सरदार नहीं है? यह सुनकर दुंदार कहता है,
है। अल्लाह मेरी जिंदगी ले ले और मेरे भाई की जिंदगी में इजाफा फरमाए। मुझे नहीं मालूम कि मैं उनके सामने कैसे करूंगा, मैं तो बस यही सोचता हूँ। इस पर हजार खातून कहती है, माजी गुजर चुका दुनदार साहब, अगर उन्होंने कुछ करना होता तो हमें अब तक मालूम हो चुका होता। अर्तल गाजी की रहमत उतनी ही अजीम शान है जितनी की उनकी बहादुरी। दुनदार कहता है, उनका इंसाफ बड़ा है खातून, बहुत बड़ा। तो हजार खातून कहती, ये तो यकीनी बात, लेकिन मुझे ये बात समझ नहीं आती कि उन्होंने आपके बजाय उस्मान को क्यों बुलाया। आप ज्यादा तजर्बेकार हैं, आप ज्यादा जहीन हैं, आप ज्यादा ताकतवर हैं। हजार खातून की बातें सुनकर दुनदार कहता, अर्तल गाजी जहीन और इंसाफ पसंद है, बहुत ज्यादा बेहतर जानते हैं कि क्या करना। नाजरीन इसके बाद अगले ही सुबह आप देखेंगे प्लातियो सौगोत के बाजार में मौजूद होता है और वह सौगोत में उबाई मर्द फैलाने के लिए बहुत ही होशियारी से जहरीली दुआ दुकानों में रखी हुई सब्जियों और फलों में मिला देता है। इसके बाद वह जहरीली दुआ जानवरों के चारे में भी डाल देता है। इसके बाद मौका मिलते ही मरे हुए चूहे सराय के अंदर जाने वाली सब्जियों में डाल देता है। तो नाजरीन आप अपने दिलों को थाम कर बैठिएगा, आप आने वाले सीन से आपकी मुराद बढ़ाएगी। इधर काई कबले के सामने से काफिला आ रहा होता है। काफिले को आते हुए देखकर दाखिली दरवाजे पर खड़ा दुमरुल कहता है, मेरे अर्तगल साहब। इसके बाद वो कबीले की जानिब देखकर बुलंद आवाज से कहता है, मेरे अर्तगल साहब आ रहे। ये कहते ही दुमरुल इतने जोर से ढोल बजाता है कि ढोल की आवाज पूरे कबीले में गूंज उठती और पूरे कबीले के लोग अपने खेमों से बाहर निकल पड़ते हैं। इसी दौरान काई कबीले की आन शान और जान अर्तल गाजी अपने काफिले के साथ कबीले में दाखिल होते हैं, जो की काफी अरसे से अपनी बीमारी और रियासती अमूर की वजह से कबीले से दूर थे। नाजरीन बेशक लुश उस्मान में अर्तल गाजी का करेक्टर बदल दिया गया है, लेकिन रौब दबदबा और बहादुरी उसी तरह कायम है, जिसकी झलक आप आने वाले वक्त में जरूर देखेंगे। अर्तल गाजी को देखते ही पूरे कमरे में खुशी की लहर दौड़ जाती है। इसी दौरान गुंदूज और बाकी लोग खेमे से बाहर आते हैं और बहुत गौर से दाखिली रास्ते की जानिब देखते हैं। कबीले के लोग भरपूर जोश और खरोश से खुशामदीद अर्तगत साहब, खुशामदीद अर्तगत साहब कह रहे होते, पूरे कबीले की खुशी दीदनी होती। अर्तल गाजी को देखकर दुनदार और गुंदूज भी बेहद खुश होते हैं और दुनदार के मुँह से बेसाख्ता निकलता है, भाई जान। इसके बाद वो सब अर्तल गाजी की जानिब बढ़ते हैं और अर्तल गाजी भी घोड़े से नीचे उतर आते हैं। उनके घोड़े से उतरते ही तमाम सिपाही सीने पर हाथ रख के आदाब बुझा लाते। गुंदूज आगे बढ़कर अर्तल गाजी के हाथ का बोसा लेता है और उन्हें खुशामदीद कहता है। इसके बाद दुनदार भी आगे बढ़ता है और यही अमल दोहराता है। फिर अर्तल गाजी कहते हैं, मैंने आप सबको बहुत याद किया। इसके बाद हजाल खातून और बाला खातून भी अर्तल गाजी के हाथ का बोसा लेती। बाला खातून को देखते ही अर्तल गाजी अपनी निगाह इधर उधर दौड़ाते हैं और पूछते हैं, उस्मान कहाँ है। अर्तल गाजी के मुँह से ये बात सुनते ही हर शख्स हक्का बक्का रह जाता है और दुनदार और गुंदूज हैरानगी से एक दूसरे की जानिब देखते हैं। फिर दुनदार परेशानी से पूछता है, क्या आपने उस्मान को वहाँ नहीं बुलाया हुजूर। इस पर अर्तल गाजी कहते हैं, किस बारे में बात कर रहे हो दुनदार, उस्मान कहाँ है। दूसरी जानिब उस्मान और गुप्तो खुले मैदान में आंधी और तूफान की तरह घोड़े दौड़ा रहे होते हैं और मुसलसल आगे बढ़ते ही चले जाते हैं, जबकि कुमराल अब्दाल जंगल में एक जगह मौजूद होते हैं और रोते हुए कहते हैं, राज अफशा हो गया, काबिल ने हाबिल को मार डाला। बाबा आदम रोए वो दरिया की तरह रोए। इसके बाद वो दोनों हाथ सीने पर मारते हुए कहते हैं, ऐ आशिक मुझे बताना अब कौन बाप है। ये कहते ही उन्हें अर्तल गाजी का अक्स नजर आता है। फिर वो कहते हैं, बेटा कौन है। इसके साथ ही उन्हें घोड़ा दौड़ाता हुआ उस्मान नजर आता है। नाजरीन इसके बाद अब देखेंगे उस्ताद दाऊद सामान लेकर अहमद के साथ सौगात के बाजार जाते हैं और एक ताजिर को सलाम करने के बाद कहते हैं, मैं सामान लेकर आया हूँ हसन उस्ताद। यह सुनते ही ताजिर सामान का जायजा लेता है, जबकि गमगीन अहमद एक तरफ मुंह करके खड़ा हो जाता है। इसी दौरान उसकी नजर फ्लातियोस पर पड़ती है, जो कि भिखारी के रूप में वहाँ घूम रहा होता है, और एक शख्स फ्लातियोस को सिक्का देता है। यह देखकर अहमद खुश हो जाता है और दाऊद उस्ताद से कहता है, क्या आपके पास सिक्का है दाऊद उस्ताद। इस पर दाऊद उस्ताद अहमद को सिक्का देते हुए कहते हैं, तुम मांगो तो सही बेटा। अहमद सिक्का लेकर भागते हुए फ्लातियोस के पास जाता है और उसके पास रखे हुए कटोरे में सिक्का डाल देता है। इस पर फ्लातियोस गुस्से से अहमद की जानिब देखते हुए कहता है, शुक्रिया बेटा। उसे देखकर अहमद खौफजदा हो जाता है, जबकि कुछ फासले पर खड़े दाऊद उस्ताद ये मंजर देखकर मुस्कुरा देते हैं और फिर फ्लातियोस के पास आकर उसे सलाम करते हैं। उन्हें देखकर फ्लातियोस खड़े होकर सलाम का जवाब देता है और अहमद भी दाऊद उस्ताद के साथ आकर खड़ा हो जाता है। इसके बाद फ्लातियोस अहमद की जानिब देखते हुए कहता है, माशाल्लाह, अल्लाह इसकी हिफाजत फरमाए। यह सुनकर दाऊद उस्ताद कहते हैं, इसके वालिद एनागोल के काफिरों के साथ लड़ते हुए शहीद होंगे। इस पर फ्लातियोस मुस्कुराते हुए कहता है, अल्लाह उनके बेटे को भी शहादत नसीब फरमाए। इसके बाद दाऊद उस्ताद फ्लातियोस से कहते हैं, दरवेश साहब आए आपकी मेजबानी करें। तो फ्लातियोस कहता है, नहीं आप पहले ही मेजबानी कर चुके हैं। यह सुनकर दाऊद उस्ताद अहमद से कहते हैं, आओ बेटा अपने पेट भर ले। इसके साथ ही वो अहमद को लेकर आगे बढ़ जाते हैं और अहमद बार बार मुड़के फ्लातियोस को देखता है। दूसरी जानिब उस्मान और गुप्तो को उसगोन के बताई हुई जगह पर पहुंचकर घोड़ों से उतर जाते हैं। वहाँ मौजूद सिपाही अदब से उस्मान को सलाम करता है। सलाम का जवाब देने के बाद उस्मान पूछता है, अर्तगल साहब कहाँ है। इस पर सिपाही झाड़ियों की तरफ इशारा करते हुए कहता, वो अंदर आपका इंतजार कर रहे हैं। इस पर उस्मान घोड़ा गुप्तो के हवाले करता है और सिपाही के साथ झाड़ियों की तरफ चला जाता है, जहाँ पे हर तरफ मुहाफिज ही मुहाफिज खड़े होते हैं। एक मुकाम पर पहुँच कर वो सिपाही रुक जाता है और सामने से आने वाला सिपाही उस्मान को लेकर आगे बढ़ जाता है, जहाँ पे एक शख्स अर्तल गाजी के बेस में चेहरा दूसरी जानिब किए हुए बैठा होता है। उस शख्स को देखकर उस्मान उसे अर्तल गाजी समझता है और मुस्कुराते हुए आहिस्ता आहिस्ता उसकी जानिब बढ़ता है। अर्तल गाजी के बेस में बैठा हुआ शख्स खंजर से सेब छेड़ रहा होता है। उसके करीब पहुँचते ही उस्मान खुशी से बाबा बाबा पुकारता है, लेकिन उसकी तरफ से कोई जवाब न पाकर उस्मान उसके मजीद करीब हो जाता है और अदब से हाथ सीने पर रखते हुए कहता है, क्या मुझे इजाजत है हुजूर। इस बार भी वो शख्स कोई जवाब नहीं देता। इधर काई कबले में अर्तल गाजी तवील अरसे के बाद अपने घर वालों के साथ सरदारी खेमे में दाखिल होते हैं और बहुत गौर से हर चीज को देखते हैं। इसके
बाद आगे बढ़कर सरदारी नशीस पर बैठ जाते और फिर बाला खातून और हजार खातून को दूसरे खेमे में भेज देते। उनके जाने के बाद दुनदार और गुंदोज जैसे ही बैठने के लिए आगे बढ़ते हैं, अर्तल गाजी हाथ के इशारे से दुनदार को बैठने से रोक देते। ये देख कर दुनदार हैरान और परेशान हो जाता है, जबकि गुंदोज भी खड़ा रहता है। इसके बाद अर्तल गाजी कहते हैं, काफी अरसे से मेरी यौलक अरसलान से कोई बात नहीं हुई और ना ही मैं उससे मिला। अगर उसका इस खेत से कुछ लेना देना है तो ये शर्म की बात, अगर उसने हमें धोखा दिया तो ये तुर्कों के लिए बहुत शर्मनाक। यह सुनकर दुनदार कहता है, हुजूर यौलक अरसलान इतना पागल नहीं हो सकता कि हमारे लिए जा बिछाए, उसकी बहन मेरी बीवी है। यह सुनकर तलगाजी कहते हैं, लंबे सफर और जालिम दुश्मनों से तुम कुछ नहीं सीख पाए दुनदार, आपने हजार से कब सुलह की? इस पर दुनदार कहता है, गर्मियों के आगाज में हुजूर, जब जोरा खातून ने कबीले को मुश्किलात में डाला तो हजार खातून आई और हमारी मदद की। इसी दौरान गुंदोज कहता है, हमारा वक्त जाया हो रहा है हुजूर। यह सुनकर तलगाजी इंतहाई गुस्से से गुंदोज को देखते हैं तो गुंदोज खौफजदा होकर कहता है, हुजूर हमें इजाजत दे कि हम जाकर तलाश शुरू करें। इस पर तलगाजी कहते हैं, क्या किसी की तकदीर उसे उसकी मौत से बचाती है? अगर उस्मान की किस्मत में हुआ तो वो उन्हें हरा देगा, फिक्र मत करो। दूसरी जानिब उस्मान आहिस्ता आहिस्ता तलगाजी के बेस पे मौजूद शख्स की जानिब बढ़ता है और जैसे ही उस शख्स के करीब पहुंचता है वो शख्स एकदम से पलट कर अपना खंजर उस्मान के कंधे के करीब गाड़ देता है और उस्मान हैरान और परेशान हालत में उसे देखता ही रह जाता है। इसके साथ ही वो शख्स एक बार फिर खंजर निकाल कर उस्मान के जिस्म में गाड़ देता है, जबकि काई कपड़े में बाला खातून बेचैनी से खेमे के अंदर टहर रही थी। हजार खातून ने अपने कान दूसरे खेमे में होने वाली बातों पर लगाए होते हैं, जहाँ पे अर्तलगाजी दुनदार से कहते हैं, ये एक बहुत बड़ा खेल है दुनदार। इस पर दुनदार कहता है, हम उनकी चालू को पलट देंगे। दुनदार की बात सुनकर अर्तलगाजी कहते हैं, इंशाल्लाह, लेकिन पहले हमें चाबी तलाश करनी। गुंदोज हैरानगी से कहता है, कौन सी चाबी हुजूर? तो अर्तलगाजी कहते हैं, सांप के बिल को खोलने वाली चाबी। इस पर दुनदार कहता है, हम उन्हें उनके ही खून में गर्क कर देंगे। यह सुनकर अर्तलगाजी दुनदार के करीब आकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, क्या आप में ऐसा करने की हिम्मत है? क्या इसको बर्दाश्त करने की कुव्वत है? तो दुनदार कहता है, मैं आपके लिए अपनी जान कुर्बान कर दूंगा हुजूर। यह सुनकर अर्तलगाजी हजार खातून को आवाज देते हैं, लेकिन हजार खातून अपनी जगह से नहीं हिलती। इस पर तलगाजी बुलंद आवाज से हजार खातून को आवाज देते हैं तो हजार खातून खौफजदा होकर अर्तलगाजी के खेमे में आ जाती है। उन्हें देखकर अर्तलगाजी कहते हैं, अपने शोहर के करीब। यह सुनकर हजार खातून दुनदार के करीब हो जाती है। इसके साथ ही अर्तलगाजी दुनदार से कहते हैं, हजार को गिरफ्तार करो। यह सुनते ही वहाँ मौजूद तमाम लोग हैरान और परेशान हो जाते हैं। अर्तलगाजी मजीद कहते हैं, सिपाहियों से कहो कि इसे जिंदा वाले खेमे में ले जाए, लेकिन दुनदार हैरान और परेशान खड़ा रहता। यह देखकर अर्तलगाजी गरजते हुए कहते हैं, जल्दी करो, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। यह सुनते हाथ देखकर हजार खातून कहती है, आप क्या कर रहे हैं अर्तगाल साहब? मैंने क्या किया है? अर्तलगाजी हजार की बात का जवाब दिए बगैर गुंदोज के पास जाते हैं और कहते हैं, आप रवाना हो जाए, वो आपके लिए रास्ते में गात लगाकर हमला कर सकते हैं, इसलिए रास्ता तब्दील करें। यह सुनकर गुंदोज कहता है, जो हुक्म हुजूर, और वहाँ से रवाना हो जाता है, जबकि दुनदार ना चाहते हुए भी हजार खातून के हाथ बांधने शुरू कर देता है। इस पर हजार खातून गुस्से से कहती है, तो ये भी मेरी किस्मत में लिखा, अर्तगाल साहब जिनको मैंने अपनी जिंदगी अमानत दी थी वो भी मेरे साथ ऐसा सलूक करने लग गया। हजार की बात सुनकर अर्तलगाजी गजबनाक निगाहों से उसे देखते हैं। इधर जंगल में वो शख्स उस्मान के जिस्म में मारे गए खंजर को दोबारा होता है। इसी दौरान उस्मान अपना खंजर निकाल कर एक ही वार में उसका गला काट देता है और वह तड़पता हुआ जमीन पर गिर जाता है। ये देखकर झाड़ियों से बड़ी तादाद में सिपाही निकल आते हैं और नेजू के नोक पर उस्मान को चारों अतराफ से घेर लेते हैं। इसी दौरान वहाँ कोसगोन आता है, जिसने धोखे से उस्मान को यहाँ बुलाया था। कोसगोन को देखकर उस्मान को बहुत गुस्सा आता है और वो उस समय को याद करता है जब कोसगोन ने कबीले आकर उनसे कहा था, अर्तगाल साहब ने उस्मान को अकेले बुलाया है, हमारे सरदार यौलक अरसलान भी कुल शेरसार के बहादुर से मिलना चाहते हैं। ये ख्याल आते ही उस्मान कहता है, तुम गद्दार कुत्ते। इसके बाद उस्मान गुस्से से उसकी जानिब बढ़ता है तो सिपाही उस्मान को रोक लेते हैं। फिर उस्मान कहता है, तुम किसके कुत्ते हो, बोलो। तो कोसगोन कहता है, आप फंस गए उस्मान साहब, मुजाहमत ना करें। इस पर उस्मान कहता है, तुमने बहादुरी पर गद्दारी का इंतखाब किया, मैं तुम्हें अपने हाथों से मारूंगा। फिर उस्मान गरजते हुए कहता है, मेरे वालिद अर्तलगाजी कहाँ है? यह सुनकर कोसगोन मुस्कुराते हुए कहता है, उस्मान, अर्तगाल का फखर उस्मान। दूसरी जानिब काई कबीले में दाऊद उस्ताद कामकाज में मसरूफ होते हैं, जबकि बुरहान भी उनके साथ मौजूद होता है। दाऊद उस्ताद बुरहान से कहते हैं, अगर तुम रवाना हुए और उस्मान को वापस ना लाए, फिर आग में देखते हुए लोहे को पानी में डालते हुए कहते हैं, मैं इस साग को तुम्हारे मैदों से बुझाऊंगा। इसी दौरान सिपाही हजार खातून को बांध कर सरदारी खेमे से बाहर लाते हैं। हजार खातून के बंधे हुए हाथ देखकर हर शख्स हैरान और परेशान हो जाता है और बुरहान कहता है, हालात बिगड़ने वाले। दूसरी जानिब उस्मान नेजू के दरमियान खड़ा होता है और कोसगोन से कहता है, अगर हिम्मत है तो मुझे अभी के अभी मार डाल, नहीं तो मैं तुम्हें अपने हाथों से मारूंगा। इस पर कोसगोन कहता है, फिक्र मत करें, आप जहाँ जा रहे हैं वहाँ आपकी मौत ही होगी। यह सुनकर उस्मान गुस्से से कहता है, तुम किसके कुत्ते हो? तो कोसगोन कहता है, सोचते रहो उस्मान, सोचते रहो, अभी बहुत लंबा सफर तय करना। यह कहकर वो सिपाही से कहता है, इसे ले जाओ। यह सुनकर एक सिपाही जैसे ही उस्मान की जानिब बढ़ता है, उस्मान कोसगोन के सिपाही पर टूट पड़ता है और पलक झपकते ही उन्हें जमीन पर पटक कर वहाँ से दौड़ लगाता है। उस्मान को भागते हुए देखकर कोसगोन बुलंद आवाज से कहता है, पकड़ो इसे, ये मुझे जिंदा चाहिए। यह सुनकर कोसगोन के सिपाही भी उस्मान के पीछे दौड़ लगाते हैं। उस्मान अपने रास्ते में आने वाले कोसगोन के सिपाही को मौत के घाट उतारता ही चला जाता है। दूसरी जानिब काई कपड़े में दुनदार अर्तलगाजी से कहता है, हुजूर अगर कोई ऐसी चीज है जिसके बारे में मैं नहीं जानता तो मुझे बताएं, इससे पहले कि मेरे शकूक मुझे अंदर से खा जाए, मेहरबानी करके मुझे बताएं। इस पर अर्तलगाजी कहते हैं, उस्मान तुम्हारा छोटा भतीजा। यह कहकर अर्तलगाजी खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, रवायात में अकल उम्र में नहीं बल्कि सर में होती, हजारों तरीकों से जिद्दोजहद करके हमने अपना कबीला इन जमीनों में लाकर बसाया, पिछले साल कबीला मरते मरते बचा, आखिर क्यों? यह सुनकर दुनदार सर झुका
मुस्कुराते हुए कहता है, माफ कर दे हुजूर। इस पर तलगाजी गुस्से से कहते हैं, क्या आपने तकब्बुर से पीछे छुड़ा लिया दुनदार, क्या होश ठिकाने आ गए दुनदार। दुनदार कहता है, मेरे दिल पर शैतान कब्जा करके बैठ गया था। अब ऐसा नहीं होगा हुजूर, मैंने माफी मांगी। तो तलगाजी कहते हैं, फिर शुक्र अदा कर। यह कहकर तलगाजी फिर से बैठ जाते हैं और दुनदार को हुक्म देते हुए कहते हैं, अब सौगत जाओ, कुछ अरसा वहाँ का निजाम संभाल, जब तक मैं हुक्म ना दूं वापस कबीले मत आना। यह सुनकर दुनदार हैरानगी से तलगाजी की जानिब देखता है और कहता है, जाने से पहले हजाल से मिलना चाहता हूँ। यह सुनकर तलगाजी शदीद गुस्से से दुनदार को देखते हैं। तो दुनदार खौफ ज़दा होते हुए कहता है, अभी ही जाता हूँ हुजूर। इधर गुक्तोक जंगल में मौजूद होता है। इसी दौरान कोसगोन का एक सिपाही नेजा उठाकर पीछे से आहिस्ता आहिस्ता गुक्तोक की जानिब बढ़ता है, मगर गुक्तोक को जल्द ही एहसास हो जाता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। यह एहसास होते ही गुक्तोक एकदम से पलटकर उस सिपाही को मौत के घाट उतार देता है। इसी दौरान एक सनसनाता हुआ तीर आकर गुक्तोक के कंधे में पेवस्त हो जाता है। इस पर गुक्तोक जोर जोर से अपने सीने पर हाथ मारते हुए कहता है, यहाँ मारो अहमको, यहाँ मारो। यह कहकर वो तलवार से तीर तोड़ डालता है। इसके साथ ही झाड़ियों में छुपे कोसगोन के सिपाही निकलकर गुक्तोक पर हमला कर देते, मगर गुक्तोक बहुत बहादुरी से उनका मुकाबला करता है और झाड़ियों से आने वाले तीरों से मुसलसल बचते हुए उन सबको मौत के घाट उतार देता है। इसके बाद गुक्तोक उस्मान को याद करके वहाँ से दौड़ लगाता है। दूसरी जानिब उस्मान कोसगोन के सिपाही को गाजर मूली की तरह काटते हुए मुसलसल आगे बढ़ रहा है। इसी दौरान गुक्तोक भी वहाँ पहुँच जाता है और उस्मान को देख कर कहता है, मैं आ गया हुजूर। उस्मान के जख्म देख कर गुक्तोक परेशान हो जाता है और कहता है, आप जख्मी है हुजूर। इस पर उस्मान कहता है, मेरे भाई के ये गिदड़ हमें थका डालेंगे। इसी दौरान कोसगोन के बेशुमार सिपाही वहाँ पहुँच कर उन दोनों पर हमला कर देते हैं, मगर उस्मान और गुक्तोक उन पर टूट पड़ते हैं और आनन फानन उन्हें मौत के घाट उतारते ही चले जाते हैं। इसी दौरान उस्मान जख्मी होने की वजह से लड़खड़ा जाता है। ये देखकर कोसगोन के सिपाही उस्मान पर खतरनाक हमला करता है, लेकिन उस्मान आखिरी लम्हे में उसके वार को नाकाम बनाकर उसे पीछे धकेल देता है और खुद तकलीफ की वजह से घुटनों के बल बैठ जाता है। ये देखकर कोसगोन का सिपाही फिर से उस्मान की जानी पड़ता है, मगर गुक्तोक उसके उस्मान तक पहुँचने से पहले ही उसे मौत के घाट उतार देता है। इसके बाद गुक्तोक उस्मान के पास आता है और कहता है, हुजूर हमें यहाँ से निकलना होगा, आप जख्मी हैं। यह कहकर गुक्तोक उस्मान को सहारा देकर वहाँ से ले जाता है। तो नाज़रीन, इसके साथ ही इस एपिसोड का इख्तिताम होता है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर लाजमी क्लिक करें। अगर आपने अभी तक हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो आप दोनों जगहों पे हमें फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह नगेबान।